अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों जा रहा हूँ पुरानिया डायग्नोस्टिक सेंटर। अब वहाँ जा कर के देखते हैं कौन भाई बात करता है, किसका मेडिकल होता है। वो सऊदी का मेडिकल है कि कुवैत का है कि ओमान का है या बहरीन का है। अब वहाँ चल कर, क्योंकि यहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ हर कंट्री का मेडिकल होता है, बस कतर का नहीं होता है, बाकी सब कहीं का होता है। ओमान का होता है, बहरीन का होता है, सऊदी का होता है, कुवैत का होता है, यहीं का मेडिकल होता है। चार पांच कंट्री का है जो मेडिकल होता है। तो वहीं चल के देखते हैं कौन भाई बात करता है। जाते तो ऐसे मैं रोज ही हूँ वीडियो बनाने, मगर खाली हाथ आ जाता हूँ, कोई वीडियो में आना नहीं चाहता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेडिकल सेंटर, देखते हैं आज भाई कौन बात करेगा। क्यों, कल गया था तो बात नहीं हो पाई थी, परसों गया था तो एक भाई मिला था गोरखपुर का तो उसका वीडियो बन गया था। कल गया खाली हाथ आ गया था, आज जाता हूँ देखता हूँ कि क्या होता है। चलिए दोस्तों अब सीधे आपको वही मेडिकल सेंटर पे मिलते हैं और देखते हैं कौन भाई बात करना चाहता है, वो कहाँ का मेडिकल होता है। चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहे और दिखाते हैं अब आपको, अब डायरेक्ट वही मेडिकल सेंटर पे ही मिलते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं यहाँ पुरनिया मेडिकल सेंटर, ये है पुरनिया डायग्नोस्टिक सेंटर। तो यहाँ भाई सऊदी का, कुवैत का, ओमान का मेडिकल होता है। अभी 4:30 बजा है तो सब लोग यहाँ, मेडिकल तो हो चुका होगा इन लोगों का, बस ये रिपोर्ट का इंतज़ार के लिए इन लोग खड़े हुए हैं। तो यही सब है दोस्तों, देख लीजिए कितना भीड़ लगा हुआ है। अब इन्हीं लोगों में से किन्हीं लोगों से बात करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो अगर जहाँ अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कुछ प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी भाई से, और ये है भाई पुरनिया डायग्नोस्टिक सेंटर। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक भाई मिले हैं, सऊदी का मेडिकल है ना भाई, सऊदी का मेडिकल है, अब इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं से मुलाकात कराते हैं फिर, यही है। तो पहले भाई सलाम कर लो भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम कलीम है। और कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बहराइच से हूँ। यूपी बहराइच से? बहराइच कौन सी जगह से? पखरपुर। पखरपुर से है जी। तो भाई वीजा आपका कैसे मिला? वीजा मेरे को मिला है मस्जिद क्लीनर का। मस्जिद क्लीनर का जी। तो किसी एजेंट से लिया है कि कोई जानने वाले ने दिया? हाँ एजेंट से ही लिया, एक समझ से एजेंट से ही लिया है। हाँ तो कुछ पैसा वैसा भी लिया है? नहीं पैसा उन्हें 1200 कम का लिया है, लगता तो 1000 है, पर बताया कि पीडीएफ बनाने के 200 रुपये ले लेते हैं। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं ले लो। अच्छा। और गमका कटाया, फिर गमका कटाने के बाद? गमका कटाने के बाद फिर कहा कि मेडिकल कराने जाओ, मेडिकल कराने यहाँ आ गया। अब यहाँ की यहाँ लखनऊ में। अच्छा लखनऊ में, यही पुरनिया डायग्नोस्टिक सेंटर है? हाँ यहीं पे आया हूँ। अच्छा। यहाँ पे ऐसा है मेडिकल होता है कि हम लोग 50-60 आदमी थे, 50-60 आदमी में से मुश्किल से मुश्किल 20 आदमी केवल फिट आए हैं यहाँ पे। 20 आदमी फिट आए, बाकी सब अनफिट है। किसी को बता दिया आँख में दिक्कत है, किसी के पेट में दिक्कत है, किसी किसी में दिक्कत है, यही बता दिया। और जिसके वो मतलब जिसको बीमारी रहती उसको हम नहीं बताते हैं, फिर जिसको बीमारी जैसे एजेंट के थ्रू जो आता है उसको पास कर देते हैं, जो एजेंट के थ्रू नहीं आता है डायरेक्ट कंपनी से जो होके आता है तो उसको पास नहीं करते ये चीज़। अच्छा ज़्यादातर फेल ही कर, ज़्यादातर है फेल ही कर देते हैं। अच्छा आज चीज़ मैंने यहाँ मेडिकल में फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ सऊदी, और फर्स्ट टाइम मेडिकल कराने आया हूँ तो यही देखा है मैंने। अच्छा जब अंदर गए थे तो क्या क्या प्रूफ लगा था पासपोर्ट के साथ? अंदर क्या गया पासपोर्ट फोटो कॉपी था, आधार कार्ड की फोटो कॉपी था, और गमका का वो था कॉपी। अच्छा बस यही चीज लगा। फोटो कितना लगा था? फोटो हमारे लगे हैं तीन, तीन फोटो लगे हैं। और यहाँ की खास बात ये है कि फोटो जो बाहर से लाओगे आप तो वो नहीं लेंगे, यहाँ 100 रुपये का 16 फोटो निकालते हैं, वही 3 फोटो लेंगे और सारे फोटो वापसी कर देंगे। अच्छा तो कितने बजे गए थे आप अंदर? अंदर हम गए थे वही 11:30 बजे तक। ओ कितने बजे बाहर निकले थे? बाहर निकले हम, रिपोर्ट मिली हमें 6 बजे, फिर जब मेडिकल हो गया फिर हम इन्हें बाहर कर दिया। अच्छा फिर रोड पे टहले घूमे।
कम से कम वही चार पाँच घंटा। अच्छा, हमें 12 बजे इन्हें बाहर कर दिया, फिर 5 बजे अंदर एंट्री हुई। अभी टाइम हो रहा है तुम्हारा 6:12, अभी जस्ट अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ बाहर मैं। तो अच्छा, अंदर कितना पैसा लगा भाई? अंदर 6,000 रुपये लिए मेडिकल के। 6,000 रुपये पूरा मेडिकल के लिए है। तो दोस्तों देखो, यही है, ये भाई सऊदी जा रहे हैं, मस्जिद क्लीनर में जा रहे हैं। तो वीजा का कितना पैसा दिया है अभी? वीजा का अभी पैसे मैंने कुछ नहीं दिया, जब बताया जब वीजा हमारे हाथ में आ जाएगा तभी मैं पैसा दूंगा, बीच में पैसा नहीं दूंगा कुछ। और टोटल जो मांग रहे हैं 1,00,000 रुपये मांग रहे हैं, 1,00,000 रुपये मांग उसी में सब कुछ। तो तुम्हारे वही गांव वाला कोई एजेंट है कि यहाँ लखनऊ या दिल्ली का? गांव वाला एजेंट नहीं है, कोई जानने वाला है, बस उसके थ्रू मैं जा रहा हूँ। जानने वाले कोई किसी ने भेजा था। अच्छा, उसके अच्छी तरीके से जानने वाला कि ये फ्रॉड नहीं करेगा। अच्छा, उसी के पर्पज से जा रहा हूँ। जानने वाला है? हाँ, तो सही है यार, जानने वाले से ही काम करो। मेरे रिश्तेदार हैं, बस उनके जानने वाला हो, बता रहे हैं बहुत सारे आदमी को भेजा है। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड है, हम लोग उस पर क्या किया है, स्टाम्प पेपर सब कुछ लिखवा लिया है। अच्छा, उसके हर एक बात रिकॉर्ड करते हैं, कोई गलत करेगा तो मैंने जिससे मैंने वीजा लिया है वो बता रहा है, जो कुछ करेगा तो हम उससे निपट लेंगे, कैसा क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है, तो कैसा रहा यहाँ का भाई, तुम ही बताओ भाई। हमने तो यार बहुत देखा यार, क्योंकि यार जितने लोग भी मेडिकल करा के बाहर निकल लेना, मेडिकल कराने आओ तो यहाँ पे पहले तो जब अक्सरा कराने जाओगे तो पहले तो ऊपर कपड़ा निकलवा लेंगे, फिर दूसरे रूम में भेजेंगे, तो एक समझो कि शरीर पे तुम्हारे एक कपड़ा नहीं रहेगा, एक तागा नहीं रहेगा। इस तरीके का मेडिकल कराते हैं लोग, और एक आदमी नहीं कराएंगे, सिंगल नहीं कराएंगे, कम से कम मान लो ये कराएंगे तो 8-10-12 आदमी के बीच में कराएंगे, सबको नंगे कर देंगे, सबको नंगा कर। अब तो थोड़ी ना उतरवाते होंगे यार। अरे भाई साहब सारा उतरवा, जैसे कह रहा हूँ मैं कि अंग पे एक तागा नहीं रहता ना शरीर के ऊपर। अच्छा, यही कहानी है। एक दूसरे को घूरते रहो, शर्म ही महसूस होता है, और कुछ नहीं होता वहाँ पे। अच्छा, जानिए चेस्ट का एक्सरे लेते हैं? हाँ, ब्लड ले लेते हैं, एक सीरिंज मतलब एक जो सीरिंज होती है सुई, एक सुई मतलब ब्लड निकालते हैं। अच्छा, फिर अपना हाइड्रोसिल चेक करते हैं ये। अच्छा, हालांकि टच नहीं करते पर देखते हैं। अच्छा, आगे पीछे का दोनों का। अच्छा, सब कुछ चेक करके फिर बाहर भेज देंगे तुम्हें। अच्छा, फिर बाद में 4-5 घंटे के बाद फिर अंदर बुलाएंगे। हाँ, फिर आपको मेडिकल रिपोर्ट मिलेगी, अनफिट हैं या फिट हैं। हाँ, ऐसे ही देते हैं। जो अनफिट हुए आप तो थोड़ा टाइम के बाद या कुछ चश्मा आँख में दिक्कत हुई चश्मा बना के दे देंगे। हाँ, कि हालांकि सारा काम यहाँ पे कमीशन पे होता है। अच्छा, जो एजेंट के थ्रू आप आए हो तो पास करेंगे, एजेंट के थ्रू नहीं आए हो तो रुपए में आपको 75% पास नहीं करेंगे, लोग फेल करेंगे, फेल ही कर देते हैं। 25% पास करेंगे, 25% पास करेंगे एजेंट के थ्रू आए हो तो। अभी मैं देखा यार, यहाँ बहुत बड़े दूर दूर से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है, कोई कुशीनगर से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई हरदोई से आ रहा है, हमें बहुत हमने देखा करें। अभी 2.5 घंटा बर्बाद। अभी जस्ट मैं जब आया हूँ यहाँ पे तो ज़्यादातर जो यहाँ के लोग थे गोंडा साइड के ही थे। अच्छा, गोंडा साइड के ज़्यादातर थे यार। इसमें पैसे 1 रुपये में समझ लो कि 20% आदमी नए थे और 80% आदमी सारे पुराने थे। सब पुराने थे? सब पुराने ही थे। कोई सऊदी रिटर्न, कोई कतर रिटर्न, कोई दुबई रिटर्न, ऐसे ही आ रहे सारे। अच्छा, सारे सारे ऐसे ही है भाई। तो रिटर्न भी उसमें ज्यादातर भी फेल हो रहे होंगे? हाँ, रिटर्न भी थे। वो भी बेचारे को पास नहीं किया, दो चार आदमी उन्होंने भी पास नहीं किया भाई, जबकि दिल्ली की मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे थे कि सर तो मैं तो पास हूँ, वहाँ पास दिखाया है, अब यहाँ पे आप बता रहे हो अनफिट है, तो ये चेक करें ना यहाँ को। हाँ, तो कुछ ना कुछ होगा भाई, एजेंट के थ्रू आओगे तो पास करेंगे, जहाँ तक मेरे को ऐसा लगता है। अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हाँ, और जो ऐसे आओगे तो ऐसे ये इतनी जल्दी पास नहीं करते। अच्छा, और जहाँ तक रहा घूस, ये जैसे बोलते हैं रिश्वत, रिश्वत तो मैंने देखी नहीं भाई किसी को लेते हुए यहाँ पे, ना मैंने दी है भाई। खुले आम तो मांगेंगे नहीं, वो खुले आम दलाल के थ्रू होगा, वही चक्कर है। तो दोस्तों देखा, यही है। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो मिलते हैं किसी दूसरे भाई के साथ, देखते हैं क्या है। भाई की किस्मत अच्छी थी जो पास हो गए हैं, नहीं तो यहाँ भाई हमने बहुत देखा भाई यार, बड़े दूर दूर से आए हैं, वो ज़्यादातर भाई सबको फेल कर रहे हैं। तो मैं बहुत लोगों से बात करा कि भाई थोड़ा बताओ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये भाई मिले तो इन्होंने भाई सारी हकीकत बताई है। तो देख लो दोस्तों, जो भी मेडिकल कराने आता है देख लो क्या क्या होता है उसके साथ में। चलिए दोस्तों, वीडियो का ही एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी वीडियो मिलते हैं भाई। अल्लाह हाफिज़।